और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, लगातार जो किसान आंदोलन है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाने लग रहा है। एक बार फिर हमारी टीम मकडोली टोल प्लाजा जो रोहतक के अंदर है यहां पर पहुंची और भाई किसानों का एक फैसला है, जब तक आंदोलन चलेगा तब तक इसको फ्री रखेंगे। हमारे साथ किसान यूनियन अमावता के प्रदेश के अध्यक्ष है अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान। सबसे पहले राम राम जी, ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका। राम राम भाई, सभी भाइयों का। कैसे सर? ठीक है, बढ़िया भाई। क्या कहना चाहेंगे, जो टोल प्लाजा को फ्री करने का निर्णय लिया गया पूरे हरियाणा के अंदर, जब तक आंदोलन चलेगा फ्री रहेंगे, पूरे देश के अंदर ही फ्री रहेंगे? जी देखो जी, जो हमारे संगठन दिल्ली बैठे हैं, सभी संगठनों का यह फैसला आया है, अगर अपने पंजाब है जैसे बड़ा भाई है उसकी तरह पे पूरे हरियाणा के हम टोल फ्री रखेंगे। कल वाली रात ने, हम परसों वाली रात ने, मैं सरसा तक रात को गया, सुबह 4 बजे तक आया, सारे टोल फ्री थे, वीडियो भी आपके पास भेज दी। आज वाली बार रात ने अम्बाले तक गया, यहाँ मैं 3:30 बजे रात को वापस पहुंचा हूँ, सारे टोल फ्री थे। अब हमारी यही जिम्मेवारी है, चल मैं भाई संभालेंगे, रात राम अध्यक्ष से हम कुछ संभालेंगे, अगर कोई टोल वाला टोल लेता पा गया तो उसके खिलाफ संगठन बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा, आंदोलन का बिल्कुल बचा देगा। मतलब टोल प्लाजा को रुपये लेता पा गया तो हाँ बिल्कुल बचा होगा जी संगठन उसके खिलाफ। तो आप देख सको भाई कितना मतलब बड़ा फैसला लिया गया है किसानों के द्वारा, किसान संगठनों के द्वारा, क्योंकि सरकार के नाक में नाक में दम भाई दम, देखो भाई दम करना पड़ रहा है। अब मेरा भाई पूछ रहा था खट्टर साहब ने कहा कोई नुकसान ना होता, अरे कोई नुकसान नहीं है, टोलते हैं आम जनता ने इसका फायदा भी किया है। नहीं सरकार जो नाक मदम करने लग रहे हैं आप बार बार, सरकार इससे झुकने का अभी तक नाम नहीं ले रही, अभी तक ये कह रही है रैलियां कर रही है, अभी तक ये कह रही है भाई हम नहीं झुकेंगे, जो तीनों कानून रद्द नहीं करेंगे कल संशोधन करेंगे। देखो जी देवीलाल जी ने एक बात सिखाई दी, कानून बनाना और तोड़ना सरकार के हाथ में होता है। जब अपने सीएम साहब माननीय ये बात कह रहे हैं आगे इनमें संशोधन हो जाएगा तुम्हारे तो बगे पूछ के बढ़ाई देगी, इन्हें खत्म कर दो भाई। और फिर आप जो रैली कड़ी की कह रहे हो, आप मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं कितना बड़ा विरोध सरकार के खिलाफ हो रहा है, इस बात ने देखो आप अगर विरोध कितना बड़ा हो रहा सरकार का, सरकार अपने आप ये झुक जाना चाहिए, ये काले कानून वापस ले लेने चाहिए। आगामी क्या रूपरेखा रहेगी किसानों की तरफ से आगे को लेकर के? देखो कई दौरे की वार्ता भी हो चुकी है सरकार के साथ, आगामी क्या रूपरेखा रहेगी? हमारी आगामी यही रूपरेखा जी, जो हमारे संगठन सलाह कर रहे हैं, अभी तो टोल भरी करे हैं, 26 जनवरी को जो भी हमारे पास ऊपर से आदेश आएगा सभी संगठनों का, पूरे देश का किसान अब की बार लाल किले पर झंडा फहराने का मन बना रहा है, ना कि देश का प्रधानमंत्री झंडा भरा हुआ है, अब की बार देश का किसान लाल किले पर झंडा भरा हुआ है। आगामी रणनीति क्या आप संदेश देना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से तमाम उन किसानों को जो लगातार बड़े जुनून जोश के साथ इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं? देखो जी मैं सभी भाइयों का, किसान भाइयों का, मजदूर भाइयों का, कर्मचारी भाइयों का, व्यापारी भाइयों का, सभी का मैं आज जोड़कर धन्यवाद करता हूँ, जो अपने बच्चों ने ले, अपने बीवियों ने साथ ले और खुद भी अपने आप दिन रात रोड के ऊपर बैठे हैं ना, मैं उनका तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे बढ़ चढ़ कर ऐसा आ रहे अंग्रेज साहब थोड़े लंबे टाइम पे मानने दिए, ये उन तभी लंबे टाइम पे मानने है, ऐसा काम करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कह रहे हैं बल्लू प्रधान जी, जिस प्रकार से अंग्रेज जिस टाइम पर भारत को आजाद करा गया था, अंग्रेजों से लड़ाई काफी लंबी चली थी, इनका कहना कि बीजेपी जो अंग्रेजों के सामने मतलब जो संघर्ष है किसानों का ये लगातार बढ़ता ही जाने लग रहा है, जब उसको भी हमने हरा दिया था अंग्रेजों को भी, ये बीजेपी तो कुछ नहीं, ऐसा कहना बल्लू प्रधान का। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए रोहतक से मैं जब आज